लूट के क्या घटना है? ये विदेशी नागरिक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने लाख की लूट हुई है, क्या है? ये इराक से आए हुए हैं जी। इनका नाम है फारिस शबी, ये सादून। इनका भाई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ था जेपी हॉस्पिटल, और ये लोग रात ही में आए हैं इराक से इलाज के लिए अपने भाई के। ये लोग अभी असर बाद जो है, मतलब 6:45 पर यहाँ जेपी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे आपस में। कुछ बंदे आए, उन्होंने इन्हें बुलाया और कार्ड दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम लोग हशीश इनके यहाँ जैसे गांजा वगैरह को बोलते हैं, चरस वगैरह रखे हो क्या है, चेक कराओ। इन्होंने इनका बैग वगैरह देखना चाहा, उसी में पैसे थे $30,000, जिसकी इंडियन कॉस्ट तकरीबन 23 लाख रुपये होती है, वो निकाल कर और इनको धक्का दिया और फरार हो गए जी। आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं? मैं इनका ट्रांसलेटर हूँ, मतलब इनकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आपका साथ, इनका साथ कहाँ से मिला था? काम आप शुरुआत से आए हैं या इंडिया में? इंडिया में जी। क्या नाम आपका? अब्दुल वारिस। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई इसमें करी है? पुलिस ने जो उनसे, मतलब जो भी है कि जेपी हॉस्पिटल के उन्होंने कैमरे देखे हैं और रिपोर्ट वगैरह दर्ज की है, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है उस तरफ। जेपी अस्पताल जो है उसके परिसर के अंदर ही ऐसा घटना घटी थी या बाहर? नहीं नहीं, बस इसी जगह पे सामने आपके। अच्छा जी, जेपी हॉस्पिटल से बाहर। कितने बजे घटना बताई थी आपने? 6:45। राव लाइट दिखा दो।